आईपीएल 2023 के पांचवे महामुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमों में शामिल हुए खतरनाक खिलाड़ी। तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में होंगे चार बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2023 का पांचवा महामुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आईपीएल 2023 में किस रणनीति के साथ टीमें मैदान पर उतरेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला कब शुरू होगा और इस मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे और कौन कौन से दमदार खिलाड़ी यहाँ पर टीमों में शामिल होने वाले हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी फेवरेट टीम शानदार शुरुआत करे। तो दोस्तों, हम बात करें आईपीएल 2023 की, तो इस बार आईपीएल में कई नए नियम जोड़े गए हैं जिसकी वजह से यहां पर आईपीएल इस बार काफ़ी रोमांचक रहने वाला है। साथ ही यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी टीम में कई शानदार खिलाड़ियों को जोड़ा है। तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने भी कई शानदार खिलाड़ियों की वापसी कराई है। तो ऐसे में यहाँ पर टीम शानदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलोर में खेला जाएगा और इस मुकाबले में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की सबसे पहले प्लेइंग 11 की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे कप्तान फाफ डुप्लेसिस के साथ विराट कोहली। तो वहीं पर इसके अलावा टीम में शामिल रहेंगे अनुज रावत, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे तो नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल उतरेंगे, नंबर 5 पर महिपाल लोमलोर उतरेंगे तो नंबर 6 पर शाहबाज अहमद हमें खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 7 पर खेलते हुए दिखेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। तो वहीं पर नंबर 8 पर वनिंदु हंसरंगा या फिर माइकल ब्रेसवेल में से किसी एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा। तो वहीं पर नंबर 9 पर हर्षल पटेल उतरेंगे तो नंबर 10 पर ऋषि टापले, वहीं नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पर देखें तो काफ़ी शानदार खिलाड़ियों के साथ आरसीबी की टीम मैदान पर उतरने वाली है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम की हम बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन। यानी कि यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन विकेट कीपर बल्लेबाज हमें पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 3 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे सूर्य कुमार यादव। तो नंबर 4 पर उतरेंगे यहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस। तो वहीं पर नंबर 5 पर तिलक वर्मा उतरेंगे तो नंबर 6 पर टीम डेविड, नंबर 7 पर कैमरून ग्रीन, नंबर 8 पर खेलते हुए दिखेंगे ऋतिक शौकीन। तो वहीं नंबर 9 पर खेलते हुए दिखेंगे कुमार कार्तिकेय। तो नंबर 10 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे चोपरा आश्चर्य और नंबर 11 पर अरशद खान हमें खेलते हुए दिखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखें तो मुंबई इंडियंस की टीम कई दमदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाली है। वैसे यहाँ पर इस मुकाबले की प्रेडिक्शन करें तो यहाँ पर 60% चांस बनते हैं कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम दमदार परफॉर्मेंस करे और इस मुकाबले को जीते। तो वहीं पर 40% चांस है कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले में शानदार शुरुआत करे। इसके साथ ही हम बात करें इस मुकाबले के शुरू होने के समय की, तो यह मुकाबला शुरू होगा 2 अप्रैल को भारतीय समयानुसार शाम के 7:30 पर, जो कि बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाएगा और इस मुकाबले को आप बिल्कुल फ्री में लाइव देख पाएंगे जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों, क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम आपके हिसाब से शानदार शुरुआत करेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।